आगरा थाना एदमादपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त मुठभेड़ हुई। वही 25-25 हजार के दो इनामी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। वहीं उनके कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी की नकदी, आभूषण बरामद हुए। पुलिस ने नीरज और राजेंद्र उर्फ गौड़ा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चोरी के दौरान चौकीदार की हत्या की गई थी। थाना एदमादपुर के बुढ़िया के ताल के पास मुठभेड़ हुई है। आज प्रातः थाना एदमादपुर क्षेत्र में थाना एदमादपुर पुलिस टीम और एसओजी की संयुक्त पुलिस कार्रवाई में दो 25-25 हजार रुपए के शातिर लुटेरे और हत्यारे बदमाश राजेंद्र नीरज उर्फ राणा तथा राजेंद्र उर्फ गैटा पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। उनको गिरफ्तार किया गया तथा उपचार हेतु उनको हॉस्पिटल भेजा गया। इनके पास से दो तमंचे, भारी मात्रा में कारतूस और चोरी किए गए आभूषण और नकदी इनके पास से बरामद हुई है। इनके द्वारा 26 मार्च को एक बड़ी चोरी की वारदात को थाना एतमादपुर क्षेत्र में अंजाम दिया गया था तथा उसके बाद अपने गांव में एक चौकीदार की हत्या इनके द्वारा की गई थी। दोनों बदमाशों पर मेरे द्वारा 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।